जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भूखी माता की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन में भूखी माता नाम की इस देवी की कहानी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने की किंवदंती से जुड़ी है। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ रोज मानव बलि दी जाती थी। कहते हैं भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। राजवंश में जिस भी जवान लड़के को अवंतिका नगर का राजा घोषित किया जाता था, भूखी माता उसे खा जाती थी। उज्जैन के श्रीपा तट स्थित भूखी माता का मंदिर अति प्राचीन है। देवी की मूर्ति भी चमत्कारी होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा के बीच भूखी माता को गुलगुले का निवेद अर्पित करने की परंपरा है। इसका निवृहन हर वर्ष किया जाता है। फलस्वरूप गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के परिवार अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर पहुंचते हैं और देवी को गुड़ से बने भजिए का भोग चढ़ाकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर परिसर में मेला सदृश्य उपस्थित हो जाता है। गुलगुले के साथ नमकीन भी चढ़ाया जाता है। गुलगुले चढ़ाने की परंपरा राजा विक्रमादित्य के जमाने से चली आ रही है। न केवल गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज बल्कि अन्य कई समाज भी इसे अविधाल में भूखी माता के दरबार में पहुंचकर देवी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ तो करते हैं, अपने साथ भोजन ले जाकर मंदिर परिसर में ही ग्रहण करते हैं। चमत्कारी देवी भूखी माता का उल्लेख शास्त्रों में भी है। गुलगुले या अन्य प्रसाद अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है। देवी की आराधना शुद्ध तन और मन से की जानी चाहिए। इसका सिलसिला मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो यह कर्म पूर्णिमा तक सतत चलता है। कुछ ऐसे मंदिर की कहानी कथा के अनुसार ये स्थित कई माताओं में से एक माता नरबलि की शौकीन थी। एक बार एक दुखी माँ राजा विक्रमादित्य के पास गई। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर माता से निर्बलि नहीं लेने की विनती करने की बात कही और उससे कहा कि यदि देवी ने उनकी बात नहीं मानी तो वे खुद उनका आहार बनेंगे। दुखी माँ के जाने के बाद विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कई तरह के पकवान बनवाए जाए और इस पकवानों से पूरे शहर को सजा दिया जाए। इस आदेश के बाद जगह जगह 56 भोग सजाए गए। इसके अलावा राजा ने इन पकवान में से कुछ मिठाइयों को एक तख्त पे सजा कर रखवा दिया। साथ ही मिठाइयों से बना एक मानव पुतला यहाँ पर लिटा दिया और विक्रमादित्य खुद तख्त के नीचे छिप गए। रात को सभी देवियाँ जब इन पकवानों को खाकर खुश होकर जाने लगी तब एक देवी ने यह जानना चाहा कि आखिर तख्त पर क्या रखा है। देवी ने तख्त पर रखे पुतले को तोड़कर खा लिया। देवी ने उसे खाकर खुश हो गई और यह जानना चाहा कि किसने ये पुतला यहाँ रखा है। इतने में विक्रमादित्य निकल कर आए, हाथ जोड़कर बताया कि मैंने इसे यहाँ रखा था। पुतले को अपना आहार बनाकर खुश होकर देवी बोली, क्या मांगते हो? तब विक्रमादित्य ने कहा कि कृपा करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहे। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। सभी अन्य देवियों ने इस घटना पर उक्त देवी का नाम भूखी देवी रख दिया। विक्रमादित्य ने उनके लिए नदी के उस पार मंदिर बनवाया। इसके बाद देवी ने कभी नर बलि नहीं ली और उज्जैन के लोग खुशी से रहने लगे। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।